Very good morning. How are you all doing? Welcome to our new vlog. I hope you guys are doing absolutely fine, happy, healthy, enjoying wherever you are, brothers and sisters. भाई संडे का दिन है और हॉलीडे का माहौल है, तो आज हमने सोचा है कि हम फाइनली एक दिन ब्रेक ले लेते हैं. घूमने बहुत ज्यादा कहीं पे जाएंगे नहीं, बहुत घूम लिया. तो अभी हम लोग जा रहे हैं अमेरिकन ड्रीम मॉल, वहाँ पे थोड़ा प्राइमार्क में शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, क्योंकि भूमिका मेरे को प्राइमार्क लेके गई थी लंदन, वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा था. तो मम्मी लोगों को, इन लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि आज बहुत घूमेंगे नहीं, सिर्फ शॉपिंग का टाइम करेंगे. तो मम्मी बहुत बढ़िया मात्रा में धूप में खड़े होके जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण. आज मुझे तो कुछ लेने के लिए दिखता नहीं है, इंडिया लेने के जाने के, इंडिया लेने के लिए दिखेगा मम्मी. प्राइमार्क में बहुत अच्छा है, आज धूप बहुत है. हाँ, बहुत मस्त से, बहुत मस्त तड़के से. या आपने जाना सियाळो होय ने एवं वेदर से त्यारा. यस यस, बहुत. हाँ हेजू, क्या बोलना बेटा तेरे को? है ना, मुझको ऐसा ट्रॉली दिया. किसने लेके दिया? डैडी ने और मम्मा ने. डैडी ने मम्मा ने नहीं लेके दिया. ऐसे ऐसे फराते है ना, तो ऐसे होता है, ऐसे पवन आता है. ये टॉय और यहाँ पे दिख रहा है, अंदर अंदर चॉकलेट है. दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना. कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि हेजल की मैनर्स नहीं है, हेजल को सिखाओ क्या करते हैं. भाई छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत टोका नहीं करते. हमने उसका बचपन ऐसे स्टार्ट किया है कि उसको हम बहुत टोकते नहीं है, वो अपने हिसाब से जैसे रहती है ऐसे ही रहने देते. जैसे आप बच्चों को ज़्यादा टोकेंगे ना, तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं. तो उनको अपने दुनिया में मगन मस्त रहने देने का होता है. एनीवे, चलिए झाड़ के नीचे बहुत बढ़िया मात्रा में दादा और पोता. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. आज का सुविचार बता दो. सुविचार है, जिस चीज को आप कमा सकते हो हाँ, इस चीज को मांग कर अपनी इज्जत कम करने की जरूरत नहीं है. ओके. चाहे वो धन है, इज्जत है और प्यार हो, कोई भी वस्तु मांगने की दरकार नहीं है. मांगने का नहीं, अपने आप मिल जाएगा. अपने आप चक्का चक, मांग कर इज्जत कम करना नहीं. यस यस, वेरी गुड. ठीक है गाइस, चलिए तो अभी इसी के साथ पापा का सुविचार का सिलसिला खत्म होता है और अभी हमारा वीडियो स्टार्ट होता है. तो निकलते हैं जाने के लिए अमेरिकन ड्रीम मॉल, मिलते हैं वहां जाके बाबा. और अमूल भाई पधार चुके हैं बहुत बढ़िया मात्रा में. थैंक यू अमूल भाई, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे. हैप्पी संडे टू. चलिए तो पहुंच चुके हैं अमेरिकन ड्रीम मॉल पे. सारिका को दुबई में मैंने ट्रेनिंग दे दी थी, तो सारिका डायरेक्ट ही पहुंच गई है. प्राइमार्क ढूंढेंगे, MARK प्राइमार्क, कोड D लेवल 3. ओके वेरी गुड, लेवल 3 जाएंगे. तो जी ये है अमेरिकन ड्रीम मॉल का सेंटर कोर्टयार्ड. अभी हमको कोर्टयार्ड डी में जाना है, प्राइमार्क में. हम लोग ए में है, तो ये ए है सारिका, अभी डी में चलना है हमको. तो वॉक वॉक तो होगा बहुत ज्यादा. ठीक है गाइस, ज़ेब्रा क्रॉसिंग चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छे अच्छे एम्बियंस के साथ बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट दिख रहे हैं. बहुत ही बढ़िया व्यू भाई, एक 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 चकाचक यार, इसका मेहनत किया है भाई बहुत. और यहाँ पे हमको एंग्री बर्ड्स का पूरा प्ले एरिया दिख गया है. और हेजू का मूड देखो, हेजू अपने जाऊ से नीचे. यस वी विल गो. ओके चलो, पहला स्टे आपने जा जवान क्या चाहिए अभी. भाई ये तो बहुत बड़ा है भाई, प्रो लेवल है. अभी रियल में देखा, फोन में खेलते थे. तो जी जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमको नई नई जगह देखने को मिल रही है. फ्लावर गार्डन बहुत बढ़िया सा दिखा है, ड्रीम लाइव है आगे ही, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है. पर प्राइमार्क का लेवल बी में है, तो अभी यहाँ से सारी का लेवल बी इस साइड. और यहाँ पे है बहुत ही जाइगेंटिक बड़ा सा फूड कोर्ट. अभी फूड कोर्ट में आए हैं, तो फूड कोर्ट में देखते हैं, भूख लगेगी तो लपेटेंगे. बाकी हेजल को तो मजा आ गया. किन्ना चलना का है, वो बहुत चल रहा है, हम जा रहे हैं लेने के लिए. ओके, छोटे बच्चों के कपड़े, मम्मी को तो मजा ही आ गया है. मम्मी गणेश ने हेजल पहना है, वो मस्त है. ये देखो 3-4 तो लपेट लिया है, अभी और लेंगे देखते हैं. क्योंकि ये तो भाई सबसे बेस्ट, ये मेरे को जो फ्लावर वाला था ना वो बहुत बढ़िया लगा. तो ये पूरा 50% 60% अलग 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 में, पर छोटे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है. वेरी गुड. तो जी घर पे आ चुके हैं वापस, और लेडीज लोगों को क्रीम लगाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारे सब चमड़ी वमड़ी फट चुके हैं. मुझे भी लगानी पड़ती है. हाँ फट गई है ना चमड़ी बेटा, यहाँ पे देखो कल रखा था. हाँ कुछ लगा है इसे. और एक बात तो हमने, मुझे दादा का पैंट में चोट लगी है. हाँ ओके बेटा सॉरी,
और यहाँ की एक बात तो पता चल गई भाई, हमारे अमेरिका आने के बाद डाइनिंग टेबल खाली हुआ ही नहीं है। खाने पीने की चीजें यहाँ 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 बाहर हर जगह पे कुछ ना कुछ खाने का तो था ही है। मम्मी थोड़ी जी खुटे थे आवी जाए। हाँ, आज मकाई दी है अमूल भाई ने। अमूल भाई मकाई लेके आया, अमेरिकन स्पेशल मकाई। वाह, लपेटेंगे अमूल भाई के, खा जाओ तुम्हें बाफी दे। तो अभी क्या है कि हमारा प्लान ये है कि हम लोग अभी जा रहे हैं पापा के फ्रेंड के वहाँ पे, जो फर्स्ट डे पे आपने देखा था हमारे प्रदीप अंकल के वहाँ पे, उन्होंने हमको स्पेशल इन्विटेशन दिया है घर पे आने के लिए। उनके वाइफ वाइफ को नहीं मिले थे अंकल की, तो आंटी को मिलेंगे, चाय पानी पियेंगे, एंजॉय करेंगे और आ जाएंगे। संडे का दिन हमारा इस तरीके से आज प्रोग्राम है, तो घर घराव का माहौल है हमारा, हम साथ साथ है सर सारे का। मूवीज में जो दिखाते हैं ना, ये देखो ऐसा आता है हैमबर्गर, ये मूवी कोई भी हॉलीवुड का मूवी आता है ना, तो ऐसे ड्राइववे होता है, यहाँ पार्किंग होता है, इसके अंदर जाते हैं, फिर बर्गर और शेक्स और फ्राइज खा के फिर निकलते हैं। बहुत अच्छा है यार ये। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाउस अराइव्ड एट प्रदीप अंकल्स हाउस, जोरदार। तो जी बज चुके हैं रात के 9 और हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए सिंगाज का पिज्जा लेने के लिए। तो जी पहुंच चुके हैं हम लोग सिंगाज के पिज्जा में, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे ये पिज्जा खा के जाना, तो हमको आज प्रदीप अंकल ने दावत दी है सिंगाज के पिज्जा की, तो हम लोग पिकअप करने आए हैं। बहुत ही बढ़िया स्वाद करेंगे और आपको बताएंगे कैसा है। ठीक है गाइस, घना बड़ा सिंगाज ना पिज्जा आ गया छे। सारिका 3 दिन से बोल रही है पिज्जा खाना है पिज्जा खाना है, मेड़ पड़ी गयो सारिका ने। तो जी सिंगाज का फेमस पिज्जा यहाँ पे आ चुके हैं, रात के बज चुके हैं 11:30। मम्मी 11:30 बहुत लेट था इसे आजकल तो है, आपड़े बाहर जाए से कहीं नक्की नहीं टाइम नो, टाइम का कुछ नक्की नहीं रहता, आने का कुछ नक्की नहीं रहता है, इतना बड़ा सर्कल है तो क्या करे। हाँ, प्रदीप अंकल ने बहुत मजा करवाया। हाँ, प्रदीप अंकल ने मजा करवाया, खूब खूब आभार उनका। हाँ, और खिलाया पिलाया और साथ में दिया और साथ में भेजा भी, साथ में भेजा भी, और आत्मिकता बहुत बढ़ाई, आत्मिकता बहुत है, सही बात है, लगाव उतना इतना था, लगाव इतना है। और भाभी जी को मिला शारदा, उनका नाम है शारदा, ओके, उन्होंने बहुत आदर किया। वाह वाह वाह। और तेरी मम्मी को लेके तो वो गया, साथ में लेके गए, वो मजा आया। एनीवे तो ये है भाई आज का दिन हमारा ऐसा रहा, डाइनिंग टेबल तो अखंड भर के ही रहेगा पूरा, ऐसा लगेगा जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक डाइनिंग टेबल ऐसे ही रहेगा। हाँ, जगह ही नहीं रहता है, हाँ ये है। ठीक है, और आते ही हमारे जो कान्हा जी है वो एकदम फैला के सो गए है, और यहाँ पे हेजू भी एकदम जबरदस्त पानी पी के सो जाएगी। और भाई मेरे को है ना टेंशन की बात तो ये है सारिका कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो इतना सारा तामझाम हमने जो किया है, इतना सारा खाना पीना कपड़े ये वो वगैरह, बैग तो कम है हमारे पास, तो ये सब आएगा कैसे? सब हो जाएगा, हो जाएगा। सारिका ने तो एक आधे घंटे की नींद ले ली है वैसे, वहाँ दुख हो तो कल तो व्रज में जाने का है, तो कैसे होगा फिर? हो जाएगा ऐसे तैसे हो तो जा रहा है, वैसे भी वो भी हो जाएगा। ओके, जैसे लिखा है कीप ग्रोइंग। सारिका तो यहाँ, मम्मी और सारिका यहाँ आके पूरे ऐसे चेंज हो गए है। सारिका को ऐसा लग रहा है मेरे को मन में शांति नहीं मिल रही थी जिंदगी भर, यहाँ आके मन में शांति कैसे ली जाती वो पता चला है ना। न्याय शांति जाती क्या? नहीं हम तो आप बधाने जो छो ये सब लोगों को तो देख रही है, तो तेरे को ऐसा नहीं लग रहा? शांति नहीं है, भागा दौड़ी वाला ही है, खाने मोटा थे जाए पछी शांति छे। अच्छा, वो छोकरा होने के बाद शांति होती नहीं है कभी ऐसा नहीं है, छोटा है तो थोड़ी वधारे दौड़ा दौड़ी रहती है, रात को जगाता है डिस्टर्ब था ही ना, होता है बराबर है, इसीलिए नींद पूरी नहीं होती। सारिका को बहुत हाथ में नेपी लेके बगस आ रहा है, नेपी चेंज करने जा ही रही थी, आपने बोला कोई बात नहीं, जाओ जाओ एंजॉय करो। ओके, थैंक यू सारिका फॉर योर टाइम।
सारिका ने और मैंने सारिका को एक क्वेश्चन पूछा कि क्या हम यहाँ पे सेट हो सकते हैं, तो सारिका ने मेरे को बोला कि आप जो बोले वो मैं तो आपके फुटस्टेप्स पे चलने की मतलब ख्वाहिश रखती हूँ, तो आप जो भी बोलेंगे ऐसा करेंगे। तो एक बार तो मेरे मन में आ गया कि यहाँ लाइफ अच्छी है तो सेट हो सकते हैं वैसे अगर होना है, पर पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ। तो थोड़ा बहुत मन में जो है वो निकाल रहे हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है। वैसे मेरा कोई मूड है नहीं यहाँ सेट होने का, बट यही है कि बस कुछ हमको दो तीन लोगों ने बोला कि यहाँ सेट हो जाओ, यहाँ अच्छा है, यहाँ आ जाओ, आपको मजा आएगा। बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग बी हैपनिंग विथ मी, बिकॉज इंडिया में अपना बहुत बड़ा तामझाम रेडी हो गया है, तो आई कांट लीव दैट। ठीक है, एनीवे आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे। कल हम लोग जा रहे हैं बहुत ही अच्छी मम्मी के लिए कान्हा के दर्शन करने के लिए, तो वो आपको वीडियो कल दिखेगा। तो ये वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं। सिंगाज का पिज्जा चाका जाम बहुत अच्छा टेस्ट, खा पी के मजा आया, प्रदीप अंकल से मिले, सुबह शॉपिंग किया, ये वो हुआ। ठीक है, तो लाइक करके शेयर कर दो, कमेंट करके, सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, और कल मिलेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।